दोस्तों सब्सक्राइब करें बजट गार्डनिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गार्डनिंग चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब केयर की। तो आप देख रहे हैं कि सामने में मैंने दो गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं और अभी सितंबर का महीना चल रहा है और लगभग आधा सितंबर का महीना खत्म हो चुका है। और सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वो गुलाब की केयर के लिए बहुत ही खास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में आपके गुलाब के प्लांट पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी दिखे तो अभी से आपको अपने प्लांट का केयर करना होगा। ये बहुत ही खास टाइम है गुलाब की केयर का और इस समय में अपने प्लांट को सबसे ज़्यादा केयर करना होता है। अभी आपको सारे वीड्स रिमूव करने होते हैं, गुड़ाई करना होता है, प्रूनिंग करना होता है, इसे अच्छे अमाउंट में खाद देना होता है और इस पे पेस्ट कंट्रोल का भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने पहले से भी गुलाब पे एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उस एक वीडियो में मैंने गुलाब से रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसे कवर किया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ गुलाब के प्रूनिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्रूनिंग कैसे करना है, प्रूनिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना है और कैसी प्रूनिंग करना है, आपके प्रूनिंग टूल्स कैसे होंगे, उनकी साफ सफाई कैसी होगी और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर प्रूनिंग केयर जो होती है प्लांट की, वो हम कैसे करेंगे। तो इन सारे बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा प्रूनिंग दो तरह की होती है गुलाब पे, एक हार्ड प्रूनिंग होती है और एक लाइट प्रूनिंग बोलते हैं। हार्ड प्रूनिंग जो हम करते हैं वो हाइब्रिड टी गुलाब पे करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि प्लांट को नीचे से करीब 6 से 8 इंच छोड़कर पूरे ऊपर की जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो लाइट प्रूनिंग हम बेसिकली उन प्लांट्स पे करते हैं जैसे मिनिएचर हो गया, फ्लोरीबंडा हो गया या पॉलीएंथा है। बेसिकली ये जितने भी वेराइटी हैं इनमें फूल ज़्यादा आते हैं, गुच्छों में आते हैं, तो हम इनकी हल्की हल्की छटाई करते हैं। ज़्यादा हम हाइब्रिड टी की तरह इनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करते। बस अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट को थोड़ी सी प्रूनिंग की जरूरत है तो हल्की हल्की प्रूनिंग कर देते हैं और आपस में जो उलझी हुई ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम हटा देते हैं और बहुत बेसिक सा इनका प्रूनिंग होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि इन पे दो तरह की प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग होती है, लाइट प्रूनिंग होती है। तो आप सामने में देख सकते हैं दो प्लांट है, एक एसटी गुलाब है जिस पर हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे और जो सेकेंड वाला हमारा प्लांट है उस पर हम लाइट प्रूनिंग करेंगे क्योंकि एक मिनिएचर वेराइटी है। तो प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास एक प्रूनिंग टूल होना चाहिए, सिकेटियर होना चाहिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी सिकेटियर यूज़ कर रहे हैं तो बस उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो सिकेटियर हो बिल्कुल शार्प हो, उसकी जो ब्लेड हो शार्प हो। अगर शार्प नहीं होगा तो कई बार होता है क्या है कि हम जब काटते हैं किसी ब्रांच को तो वो कटता नहीं है, वो हल्का दब जाता है जिसके कारण बाद में उस पर फंगस या किसी वायरस का इफेक्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस तरह के जो कटे हुए ब्रांच होते हैं उनमें अक्सर जो डाईबैक की समस्या होती है वो देखने को मिलता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो प्रूनिंग के बाद खराब होने लगे। तो जो भी आप सिकेटियर यूज करें उसका ध्यान रखें कि उसकी जो ब्लेड्स हो बिल्कुल शार्प हो और क्लीन होना चाहिए। और किसी भी सिकेटियर या कटिंग टूल को यूज करने से पहले आप जो क्लिनिकल स्पिरिट आती है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में 10-15 रुपए का मिल जाता है, उससे आप इसे साफ कर लें। कई बार होता है कि हम कई अलग अलग प्लांट्स पे अपने सिकेटियर को यूज करते हैं तो उनमें जो वायरस या फंगस होता है वो हमारे सिकेटियर पे लग जाता है। और अगर इसे हम साफ नहीं करते हैं तो जब हम अपने गुलाब के पौधे को कट करेंगे, उनके ब्रांचेस को कट करेंगे, तो जो वायरस और फंगस हमारे सिकेटरी पर पहले से लगा हुआ है वो अब हमारे गुलाब के पौधों पे भी लग सकता है और शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे हमारे प्लांट के लिए। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा गुलाब का पौधा है वो किसी भी तरह से खराब हो जाए। तो अभी हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना होता है कट करने से पहले। जो हमारा कट हो वो 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो 45 डिग्री एंगल पे कट करने से होता क्या है कि अगर आप पानी देते हैं शावर से या फिर बरसात का जो पानी होता है वो उस कटे हुए पोर्शन पे जमा नहीं होता है, वो नीचे गिर जाता है उस पर से, और इससे होता क्या है कि हमारे जो प्लांट होते हैं उन पर फंगस लगने का चांस कम हो जाता है। तो सामने में दो प्लांट है गुलाब के, एक एचटी वेराइटी है जिसे हाइब्रिड टी बोलते हैं और इस पर हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे और सेकेंड वाला जो हमारा है वो मिनिएचर वेराइटी है उस पर हम लाइट प्रूनिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा हाइब्रिड टी वेराइटी है उस पर हार्ड प्रूनिंग करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेज हैं और इसमें से हम काफ़ी सारे ब्रांचेज को कट कर देंगे और खास करके उस तरह के ब्रांचेज जो आपस में उलझी हुई रहती हैं तो उन्हें सबसे पहले कट करना है। आपको जो भी हेल्दी ब्रांच लगे उसे रखना है और जो थोड़ा कमज़ोर हो
उसे आप कट कर देना है। जो आपस में उलझी हुई ब्रांचेज होती है, बीच में एयर सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो पाता है और सनलाइट भी पूरे प्लांट को अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो अगर हम इन्हें रिमूव कर देते हैं तो हमारे प्लांट के बीच में जो एयर सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा और हमारे पूरे पौधे को सनलाइट मिलेगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो घने गुलाब के पौधे होते हैं उनके पत्तियां नीचे से पीला पड़ने लगती है, तो ये होता है मेनली जब उनको अच्छी अमाउंट में सनलाइट सही से नहीं मिल पाता है तो हमारे जो प्लांट के नीचे से पत्तियां होती है वो पीला होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो आपस में उलझी हुई ब्रांचेज हैं उन्हें हम कट कर देंगे और इसके बाद जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेज हैं, जो ड्राई हो चुकी ब्रांचेज हैं, उन सबको हमें रिमूव कर देना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और इसके बाद जो ब्रांचेज हमें रिमूव करना होता है वो है ब्लाइंड सूट। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच होती है काफ़ी पतली होती है और ये थोड़ी ग्रोथ करने के बाद रुक जाती है और इनका जो ग्रोथ होता है बिल्कुल रुक जाता है, ये बढ़ती नहीं है ना इनमें फ्लावरिंग होता है, बस ये जो हमारे प्लांट की न्यूट्रिएंट्स होती है उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो आपके प्लांट में जितने भी ब्लाइंड सूट्स हैं उन्हें रिमूव कर देना है, उन्हें काट कर हटा देना है। तो अगर ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से कोई भी ग्रोथ हो तो मैंने पहले भी सारे वीडियो में बताया है इन्हें रिमूव कर देना है, क्योंकि ये जंगली रोज वेराइटी होती है जिन पर ग्राफ्टिंग की गई होती है। तो चलिए अब हम अपने मिनिएचर गुलाब पे लाइट प्रूनिंग करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो सूखी ब्रांचेज हैं और ब्लाइंड सूट्स हैं उन्हें कट कर देंगे और इसके बाद बाकी ब्रांचेज पर हम लाइट प्रूनिंग करेंगे और जिस भी ब्रांच पे आपको लगता हो कि प्रूनिंग की ज़रूरत हो तो आप उसे काट सकते हैं। और इस प्लांट पे भी जो आपस में उलझी हुई ब्रांचेज होंगी उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने दोनों प्लांट पे प्रूनिंग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि पहले ये प्लांट कैसे दिख रहे थे और अभी इनको प्रूनिंग करने के बाद जो इनका शेप है वो कैसा है। तो हमारा जो हाइब्रिड टी गुलाब है उसे आप देखेंगे कि पहले काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, हमने उसे बिल्कुल रिमूव कर दिया है। और आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा मिनिएचर वेराइटी है उसमें हमने ज़्यादा काट छाट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत लाइट प्रूनिंग किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ड प्रूनिंग और लाइट प्रूनिंग कैसा होता है। तो हमने अपने गुलाब के दोनों पौधे पे जो प्रूनिंग का काम था वो पूरा कर लिया, बट यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो हमें करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ब्रांचेस को कट किया अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो शायद इनमें डाईबैक की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी या फिर इस पोर्शन पे किसी भी तरह का फंगस का अटैक हो सकता है और ये खुला पोर्शन है इसलिए बहुत आसानी से ये अफेक्टेड हो सकता है किसी भी फंगस के कारण, इसलिए हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और हमें इन सारे जो कटे हुए पोर्शन है उन्हें सील करना होगा। इसे सील करने के लिए हम किसी फंगिसाइड पाउडर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में जो आप देखेंगे वो मैं साफ जो फंगिसाइड आता है वो यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने किचन में जाइए, वहाँ पे आपको हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी का जो पाउडर होता है वो मिल जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या यूज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक में फंगिसाइड पाउडर लिया है और एक में जो हल्दी पाउडर है वो है। हमें करना है क्या है, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी लगा सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि सही से उस पर ये लग जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लें और आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं मैं आपको दोनों यूज़ करके दिखाऊंगा। तो जो हमारा हाइब्रिड टी वेराइटी है उस पर हम फंगिसाइड पाउडर यूज़ करने वाले हैं इसका पेस्ट बनाकर, और जितने भी कटे हुए पोर्शन है जो खुले हैं उन्हें हम इस पेस्ट से सील कर देंगे। और जो हमारा मिनिएचर वेराइटी है उस पर हम हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे, उसे भी हम पेस्ट की तरह बना लेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैं दोनों को आपको लगा कर दिखा देता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। तो आपने देखा काफ़ी आसानी से हमने इसके जो कटे हुए पोर्शन थे उसे सील कर दिया पेस्ट से। तो हमारा गुलाब के पौधों पे प्रूनिंग का काम पूरा हो चुका है और प्रूनिंग के टाइम ध्यान में रखने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जब आप अपने प्लांट पे प्रूनिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो सिर्फ प्रूनिंग है और आगे आने वाले वीडियो में मैं डिफरेंट टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो के थ्रू कवर करूंगा और वो भी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम इस रोज सीरीज में सारे गुलाब के सारे केयर टिप होते हैं हर एक टॉपिक को एक एक कर इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसका जो सेकंड टॉपिक है बहुत जल्द आ जाएगा हमारे चैनल पे। तो अगर आप रोज सीरीज की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें और किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।